जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम मोहन यादव ने आज ही करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खाते में 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सरकारी योजनाओं की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा की आप सभी लोगों को पता होगा, लाडली बहना योजना 10वीं किस्त की राशि महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों को देखते हुए सरकार ने 1 मार्च 2024 को ही 1250 रुपए 10वीं किस्त की राशि भेज दी थी। और इस बार भी सीएम मोहन यादव ने 11वीं किस्त को लेकर डेट में बदलाव किए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट दिखा पा रहा हूं। यहां पर इन्होंने ट्वीट करके बड़ी अपडेट दी है। यहां पर इन्होंने लिखा है कि मातृ शक्ति को नमन, मेरी लाडली बहनों के बैंक खातों में इस बार 5 दिन पहले ही आ जाएगी राशि। यानी कि 10 तारीख को राशि भेजी जाती है तो 5 दिन पहले ही, यानी कि 5 अप्रैल 2024, यानी कि आज ही के दिन यहाँ पर जो 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन पोस्ट को भी जारी किया गया। इस पोस्ट में देख सकते हैं कि बताया गया है लाडली बहना योजना की राशि तय तारीख से 5 दिन पहले ही इस बार बहनों के खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों, सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी लाडली बहनों के खाते में 11वीं किस्त की राशि आज ही ट्रांसफर करने की घोषणा की है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त की राशि आ भी गई होगी। 11वीं किस्त की राशि कैसे चेक करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में 1250 रुपए आई है या फिर नहीं आई है? तो दोस्तों, जब भी सरकार की तरफ से 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी तो आपको बैंक के तरफ से भी SMS आ जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में 1250 रुपए ट्रांसफर कर दी गई है। तो सिंपली आप अपना SMS बॉक्स चेक करेंगे। अगर आपको SMS मिल चुका है, पैसा आ चुका है, तो आप लोग हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और जिन भी महिलाओं को बैंक की तरफ से SMS नहीं आया है, तो वे सभी महिलाएं अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो आप खुद से भी चेक कर लेंगे कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है, या फिर आप अपना पैसा चेक करने के लिए जो भी आपका बैंक खाता है, आप अपना खाता का बैलेंस चेक करेंगे। आप अपने बैंक ब्रांच में जाएंगे, वहां पर अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि आपको लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। जिन जिन महिलाओं को 11वीं किस्त की राशि आ चुकी है, वे सभी महिलाएं नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।